लव स्टोरी भी दिखाई गई है एक रोबोट और इंसान की, तो आपको क्या लगता है अगर रियल में हो तो कैसी लगी फिल्म? अच्छा था, एकदम रियलिस्टिकली थी, रियलिस्टिकली थी। रोबोट और ह्यूमन के बीच का लोगों को पसंद आया, 50-50। अच्छा काम वगैरह फिल्म में कैसे? अच्छा था, कियारा आडवाणी का अच्छा था। नहीं सॉरी, इसमें धर्मेंद्र जी भी है, डिंपल कापड़िया जैसे, पुराने चावल जैसे हम हो सके, वो कैसे नहीं अच्छा लगा? सब एंजॉयड द मोस्ट थ्रू आउट द फिल्म, इट्स एंटरटेनिंग मोस्टली एंड कॉमेडी, वेरी नाइस फिल्म। व्हाट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म? इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड प्रीटी एंटरटेनिंग वन एक्चुअली, कहीं पे भी बोर नॉट बोर एट ऑल। पीपल आर एप्रिशिएटिंग कृति एंड यस यस and the climax is pretty unpredictable and good and actually more practical. What's your rating out of 5? 4.5. is there any particular moment which was the most enjoyable for you? The whole movie was enjoyable. That's good, thank you. अच्छी लगी सब फिल्म? अरे बहुत अच्छी, बहुत कॉमेडी, थोड़ा आगे आ जाओ। All movie over good, कॉन्सेप्ट वगैरह सब देखा, बहुत अच्छा है ऐसा, मतलब डायलॉग डिलीवरी सब कॉमेडी बहुत अच्छी। इंसान और इन रोबोट के बीच का प्यार वगैरह दिखाया, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा था, अच्छी मैजिंग, बहुत कॉमेडी था, काफी तारीफ हो रही फिल्म में लेकर। हाँ बहुत अच्छी एक्टिंग है, कृति सोनन की एक्टिंग तो लाजवाब है, मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। लोगों को पसंद आएगी? बहुत बहुत अच्छी लगी। क्या स्टार देंगे 5 में से? 4 स्टार। Thank you, it was very nice. क्या बेस्ट लगा फिल्म में? What you enjoyed the most? It was fun. I was not expecting it to be so good as it was. I thought like looking at the thing कि हाँ चलो comedy होगी, was not expecting it to be so comedy. It was nice. I think people should watch after a long time. There's a very nice movie. The most thing I liked the most was when there was some malfunctioning in her thing. So I'm waiting for the next part to come. What you can say right now, the AI generation is going on, changing. Yeah, it is a very new concept. I think people who are not aware about it will have more knowledge about it. That's it. What you can say about Kriti and Shahid? Oh, they look great together. I just love Shahid, and Kriti is looking amazing. Her dress, everything is nice. Oh, yeah. Girls always notice. Yeah. So the entire thing that we notice is fashion, how they look, and so I loved it. Totally loved it. What's your appeal for the audience? I think you should watch it if you like. It's a great thing for a weekend. If you want something to enjoy with your family, it's a great movie to enjoy with your family. What's your rating out of 5? I think 4.7. थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी फिल्म है। एंजॉय के सबसे ज्यादा फिल्म में क्या बढ़िया लगा फिल्म में? टाइमिंग बहुत अच्छी है, क्या बात है? आपको टाइमिंग बहुत अच्छी लगी क्या ना, जो पंच की टाइमिंग होती है, जो अभी हम बात करते हैं तो उसकी टाइमिंग हम ना अभी तो हमने ऐसे है कि कॉमन बात करते हैं तो वहाँ पे सेट पे माहौल पे हर जगह पे आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक रियलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, ड्रामेटिक ना हो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो बहुत वो चीज़ों का ध्यान रखा है और बहुत सेंसिटिव तौर पर रखा गया है ना, ट्विस्ट भी आता है बीच में, तो वह कैसा दिखाया है कि कैसे हम किसी पे थोपते हैं चीज़ें, रोबोट पे हम चीज़ें थोपते हैं ना, मतलब कि ये करो वो करो, तो उसका सॉफ्टवेयर बाद में हाई हुआ है कि उसको वो चीज़ रिलेट हुई बाद में कि ये मुझे करना है मुझे, तो उसके बाद में उसने अपने फील किया और वो डैमेज करने लग पड़ी सब चीज़ों को। फिल्म में साइंस और फिक्शन की बातें की जा रही है, रोम कॉम की बात की जा रही है, तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कितना यूनिक लगा? देखिए ये तो सब जो है काल्पनिक दृश्य है, काल्पनिक दृश्य होता है कि जो आप अपनी काल्पनिक से इमेजिनेशन से घटते हैं ना, एक्टिंग भी वैसी ही है, या तो माइथो कीजिए आप, ड्रामेटिक कीजिए, या तो आप रियलिस्टिक कीजिए, या तो वेलो ड्रामा कीजिए, या इमेजिनेशन कीजिए, जैसे बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, तो इसमें भी ये है कि काल्पनिक भी है रियलिटी भी है, पर लोग अभी प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं, पर बड़े बड़े शहरों में डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा है, पर अभी ऐसा है कि ठीक है ऐसे फिल्म में लोग देखने चाह रहे हैं, जाएंगे जितना जाएंगे उतना उनसे रिलेट होगा। शायद और कृति की काफ़ी तारीफ सुनी जा रही है, स्पेशली कृति की काफ़ी तारीफ हो रही है। वो अच्छा है, वो काफ़ी समय से है, सीनियर है तो अच्छे हैं वो, क्योंकि एक्टर नया हो पुराना हो तो वो एक्टर ही होता है ना, वो एक्टर तब तक अच्छा है जब तक वो कर रहा है, जब करना बंद कर दिया वो नहीं अच्छा है, वो तो ऐसा है वो। व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? थैंक यू सर, थैंक यू। हमें मधुसूदन देसा है और पिक्चर लगी मुझे, उसका टाइटल तो पहले पसंद नहीं आया। अच्छा इतना बड़ा टाइटल? हाँ लंबा टाइटल है
और इतना कुछ खास नहीं है अभी, कंप्यूटर में सबको मालूम है, बहुत पुराना हो गया है वो रोबोट बनती है जो हीरोइन है वो शादी की, तब तो ये कुछ सब्जेक्ट नया नहीं है, सब्जेक्ट नया नहीं है, वन टाइम वॉच है, एवरेज है सबकी एक्टिंग। स्टोरी कैसी लगी है रोबोट और ह्यूमन के बीच की, और जो कंक्लूजन उन्होंने बताया कि मतलब अगर रोबोट का इस्तेमाल हो तो कैसा होगा, अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो तो? हाँ, तो ऐसा ऐसा सेम सब्जेक्ट की टीवी सीरीज आ गई थी 2 साल पहले, तो बहुत लोगों को पता है उसके बारे में, रोबोट और इंसान के बारे में, तो कुछ नया सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है एंटरटेनमेंट है, ठीक है चल जाता है। काम वगैरह कैसे फिल्म में? काम ठीक है, ऐसा दूसरे सीजन काम अच्छा है। क्या बात है, लोगों को पसंद आएगी फिल्म देखकर? ठीक है, वन टाइम वॉच कर सकते हैं, इतना पैसा वेस्ट नहीं होता, वेस्ट नहीं होता है। क्या 5 में से स्कोर कितने? 3 5 में से 3। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट वॉज़ वेरी नाइस, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मूवी बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, कॉन्सेप्ट नया था, एंड कृति सानन ने बहुत अच्छा काम किया, एंड इवन शाहिद कपूर ऑल्सो उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया। सो ओवरऑल काफ़ी तारीफ हो रही है, स्पेशली रोबोट एंड ह्यूमन की लव स्टोरी बताई गई। हाँ, मतलब इट्स लाइक फर्स्ट मूवी जो इस कॉन्सेप्ट पे बनी है, तो आई थिंक मतलब बहुत अच्छा था, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, उन्होंने एट द एंड भी बताया कि मतलब प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं रोबोट होने के ना आपके जीवन में, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया उस चीज़। इट वॉज ऑसम, इट वॉज लाइक यू नो, कृति की काफ़ी तारीफ सुनी जा रही है। हाँ नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग भी की है उन्होंने, बहुत अच्छा काम भी बहुत अच्छा किया। स्पेशली इसमें डिम्पल कापड़िया या फिर इन्होंने धर्मेंद्र लेजेंड लोग किए, उनके बारे में क्या कहना? वो तो मतलब लेजेंड्स हैं, तो हम उनके बारे में क्या ही कह सकते हैं, बट हाँ ऑफकोर्स उनका जो योगदान था मूवी में, मतलब बहुत अच्छे, एक्चुअली कास्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, इवन जो उनकी मम्मा थी शर्मिला, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया। लास्ट का क्लाइमेक्स कैसा लगा सर? बहुत बहुत अच्छा, और उन्होंने वही बताया कि अगर लाइफ में आपके रोबोट्स हैं तो क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, ऑफकोर्स ह्यूमंस हैं तो मतलब देयर आर यू नो ह्यूमंस हैव फीलिंग्स आल्सो, बट रोबोट्स में वो नहीं है, मतलब दे जस्ट फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, सो दैट्स द थिंग, बाकी ठीक है, अच्छा था। आई विल गिव 4.5। थैंक यू मैम।